यूपी में पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी कोरोना की हार सुनिश्चित है। आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। मसलन पीक से सक्रिय रोगियों की संख्या मात्र 37 दिनों में 90% से अधिक घट गई है। प्रस्तुत है गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की रिपोर्ट। 30 अप्रैल को यह 3,10,783 थी, अब ये संख्या घटकर 17,928 पर आ गई है। रिकवरी रेट लगातार सुधरते हुए 97.7% तक पहुंच गई है। पीक पर 24 घंटे में आने वाले संक्रमण की संख्या 38,055 से घटकर 1,165 पर आ चुकी है। 24 घंटे में मौतों की संख्या 101 पर आ गई। जालौन और कौशाम्बी में एक भी मौत नहीं हुई। कानपुर शहर को छोड़ हर जिले में नए संक्रमण की संख्या 100 से नीचे रही। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर को छोड़ सभी जिलों में सक्रिय रोगियों की संख्या 600 के नीचे रही। मसलन बाकी जिले सोमवार को आंशिक कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रहेंगे। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट को मूल मंत्र मानते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उनकी पूरी टीम ने कोरोना के दूसरे चरण की जिस कठिन चुनौती का सामना किया है उसके बेहतरीन नतीजे सबके सामने हैं। देश, दुनिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नीति आयोग, मुंबई और प्रयागराज हाई कोर्ट कोरोना प्रबंधन के योगी मॉडल की तारीफ कर रही है। पहले चरण की तुलना में 30-50% संक्रामक कोरोना के दूसरे चरण को बैकफुट पर लाने के साथ योगी सरकार तीसरे चरण पर जीत का पुख्ता इंतजाम कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर के प्रति बच्चे अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील होंगे, लिहाजा तैयारियों के केंद्र में भी बच्चे ही हैं। इस बाबत सीएम योगी का साफ निर्देश है कि सभी मेडिकल कॉलेजों में PICU, PICU और NICU की स्थापना को तेजी से पूरा किया जाए। इनमें 100-100 बेड के PICU और 50-50 बेड के NICU भी हो। इसी तरह जिला अस्पताल और CHC स्तर पर भी मिनी PICU स्थापित किए जा रहे हैं। ये सारे काम और जरूरत पर इनके लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम तेजी से चल रहे हैं। यकीनन कोरोना को जीतने का सबसे प्रभावी हथियार टीकाकरण ही है, लिहाजा योगी सरकार का पूरा जोर टीकाकरण पर है। इस क्रम में अब तक प्रदेश में वैक्सीन के 2,34,00,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। जून में 1,00,00,000 से अधिक टीकाकरण का लक्ष्य है। सोमवार से महिलाओं के लिए जिला अस्पताल और संयुक्त जिला चिकित्सालयों में टीकाकरण के अलग बूथ होंगे। जिनके बच्चे 12 साल से कम हैं, उनके मीडिया कर्मियों व उनके परिजनों और संक्रमण के प्रति संवेदनशील वर्गों के लिए फोकस्ड वैक्सीनेशन का निर्देश पहले से ही सीएम योगी की ओर से दिया जा चुका है या धरातल पर हो भी रहा है।